गंदापुर साहब, चेयरमैन गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, खैबर पख्तूनख्वा से आए और पंजाब भर से आए काफले, मैं आप सबको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस मार्शल्लाह के दौर के अंदर भी, इस जबर के दौर के अंदर भी, तमाम रुकावटें अबूर करके आप बार बार इमरान खान की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क में आजादी राय की खातिर, इस मुल्क में इंसानी हकूक की खातिर और मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और अमनो अमान की खातिर आप निकलते हैं। जिन कुव्वतों के पास आज पाकिस्तान की भाग दौड़ है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी कायद का, किसी क़यादत का, किसी वर्कर का घर नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने तोड़ा ना हो, जिसके अंदर से उन्होंने गिरफ्तारियां ना की हो, जिसके अंदर घुस के उन्होंने बदतमीजी और तशद्दुद ना किया हो। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं तालिब इल्म हूं तारीख का, कि इस मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान ने बड़े बड़े तारीख दौर देखे हैं, लेकिन जैसा बेशरम और बेहया ये दौर है, खुदा की कसम ऐसा दौर पहले कभी पाकिस्तान में नहीं आया। और जब जुल्म एक हद से गुजर जाता है तो जुल्म खत्म हो जाता है और इस जुल्म के खत्म होने का वक्त आ चुका है। हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। शुक्र करो हुक्मरानों, शुक्र करो कि इमरान खान एक पुरमन आदमी है, आईन में, दस्तूर में, जमहूरियत में यकीन रखता है जिसमें तुम यकीन नहीं रखते, वरना जितनी आवाम आज उसके पीछे है, यहां पर तो कब का बांग्लादेश से भी ज्यादा समा बन चुका होता। वो आज भी ये कहता है कि आईन पर अमल करो, दस्तूर पर अमल करो। और आपने क्या किया मेरे दोस्तों? इस मुल्क में पहले मैंडेट चोरी हुआ, एक जाली पार्लियामेंट बनाई गई, उस जाली पार्लियामेंट के जरिए कानून साजियां की गई, अदलिया की आजादी पर वार किया गया और किस्म किस्म के भोंडे कवानीन पास किए गए। सिर्फ एक वजह उसकी, सिर्फ एक हदफ उसका कि कहीं इस मुल्क की हाकमियत आम आवाम के हाथों में ना चली जाए, उन चंद हाथों से निकलकर आम आवाम के हाथों में ना चली जाए। लेकिन हमने भी कसम खाई है, हम इमरान खान के कारकुन हैं, हमने भी कसम खाई है कि सुख का सांस तब तक नहीं लेंगे जब तक इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के बाद आवाम की हुक्मरानी आएगी। मेरे दोस्तों साथियों, आने वाला दौर और आने वाला वक्त बहुत अहम है। फैसला होने जा रहा है कि इस मुल्क में फस्ताइयत हमेशा के लिए, उसका सूरज गरूब होने जा रहा है और हमेशा के लिए जमहूरियत का सूरज तलू होने जा रहा है। तो क्या आप हम सबका साथ देंगे? पहले भी आप बार बार निकले हैं, इस मर्तबा हर कोई निकलेगा। मैं यहां पे खसूसी तौर पे जिक्र करना चाहता हूं, स्टेज पर मौजूद हैं फैसलाबाद के हमारे 8 एमपीए। फैसलाबाद को 2 अक्टूबर को जब एहतजाज हुआ, हमारे 8 सूबाई असेंबली के अराकीन को उसके बाद अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो आज भी मौजूद हैं अपने काफले के साथ, यहां पहुंचे हैं। हमारे पंजाब से शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, ये सब आज भी जेलों में बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस अवाम की तहरीक के साथ डट के खड़े हैं। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि अब हमने, हम सब ने बाहर निकलना है अपने कायद इमरान खान की कॉल के ऊपर, यकजा होके निकलना है, पिशावर से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके कोयटा तक,
हर जगह हमने निकलना है जब इमरान खान साहब हमें कॉल देंगे, और हमने ये साबित करना है कि ये मुल्क अवाम की हाकमियत के लिए बना था। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी भी होगा, जमहूरिया भी होगा, और पाकिस्तानियों का पाकिस्तान होगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा यार मेरा यार, पाकिस्तान। तहरीक-ए-इंसाफ जिंदाबाद पाकिस्तान।